आज हमने जो टॉपिक लिया है कुछ डीजल गाड़ियों से रिलेटेड है। डीजल गाड़ियों के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। क्या है आजकल डीजल कारें, किस तरह की आ रही हैं, मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है और वो किस तरह से हमारी जिंदगी में फर्क डालती है। मैं अमित कारगुरु में आपका स्वागत करता हूं और आपको बताऊंगा कि डीजल कारें इंडिया में किस तरह की अवेलेबल है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यहां पर आती है और उनसे कितना पॉल्यूशन और कितनी परफॉर्मेंस और क्या चीज है, क्या फायदेमंद है क्या ना फायदेमंद है। आइए समझते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पहले डीजल गाड़ियों को बहुत ही खराब क्वालिटी का माना जाता था। यह माना जाता था कि वो शोर करती हैं, यह माना जाता था कि बहुत पॉल्यूशन फैलाती हैं। लेकिन ये बात 60 से पहले की है। लेकिन अब डीजल टेक्नोलॉजी में जितना रेवोल्यूशन आया है शायद पेट्रोल टेक्नोलॉजी में उतना भी नहीं आया। पूरी दुनिया में डीजल कारों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल से काफी सस्ता हुआ करता था सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की वजह से। धीरे धीरे सब्सिडी खत्म होती जा रही है और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में अंतर कम होता जा रहा है। अब सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखती है लोगों के लिए, कौन सा इंजन उनको ज्यादा परफॉर्म करके देगा, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, लोगों के लिए मायने रखना बंद होते जा रहा है। अभी एनजीटी ने कुछ डिसीजंस लिए थे जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ऊपर की डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। ये रोक पिछले साल 2015 में शुरू हुई थी, अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नया वर्डिक्ट भी दिया है जिसमें उन्होंने एज इट इज ही रखा है इसको। मैं चाहता हूं, जितना मैं जानता हूं डीजल कारों के बारे में, ये हटना चाहिए। डीजल टेक्नोलॉजी उन पुराने मिथ को तोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है। अब आज मैं बता रहा हूं आपको क्या है मेरे इस वीडियो का राज। ये वीडियो डीजल टेक्नोलॉजी और पाए गए इंजन के बारे में। हमारे हिंदुस्तान में दो तरह की डीजल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक है टीडीआई, जिसका फुल फॉर्म है टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, टीडीआई। टीडीआई नॉर्मली फॉक्सवैगन और कुछ बीएमडब्ल्यू की कारों में पाया जाता है। कुछ और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लगभग मिलते जुलते इंजन तैयार करते हैं। दूसरा है सीआरडीआई, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी ने अभी हाल में काफी बूस्ट पाया है, काफी रिफाइंड है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और फ्यूल इफिशियंसी बहुत शानदार है। पॉल्यूशन शायद पेट्रोल कारों के बराबर हो गया या शायद कम ही हो रहा है धीरे धीरे, समझना मुश्किल है। पॉल्यूशन किन चीजों से होता है जानना बहुत मुश्किल है। कुछ कार्बन को पॉल्यूशन मानते हैं, कुछ दूसरी और गैसों को मानते हैं, कुछ की नजर में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी के नजर में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को खराब कर रही होती है, चाहे वो हीट देने वाले इंजन हो, चाहे वो कार्बन प्रोड्यूस करने वाले इंजन हो, चाहे वो अदर गैसेस प्रोड्यूस करने वाले इंजन हो। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, कम ज्यादा ठीक है। हमें कारों की जरूरत है, हमें उनकी आदत है, हमें उनका इस्तेमाल करना समझदारी से चालू करना होगा। अब समझें इन दोनों डीजल इंजन के बारे में जो हमारा मेन उद्देश्य था इस वीडियो का। टीडीआई इंजन 1960 के दशक में तैयार होने शुरू हो गए थे। टर्बो चार्ज होने की वजह से इंजन में अचानक पावर की बूस्टिंग स्टार्ट हो गई। फॉक्सवैगन के हाथ एक चमत्कार सा लगा, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। कई गाड़ियां उन्होंने इस पर तैयार की। फॉक्सवैगन सीरीज के सभी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही है। ऑडी है, स्काडा है, ये सारी गाड़ियां टीडीआई इंजन को आज भी दे रही है। लेकिन सीआरडीआई टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा काम करना शुरू कर दिया, लगभग टीडीआई इंजन को किनारे खिसका दिया। उसकी वजह यह थी, कॉमन रेल होने की वजह से उसी इंजन से आप ज्यादा परफॉर्मेंस ले सकते थे, ज्यादा चीजें अगर आपको अपने पैसे से मिलती हैं तो आपको हमेशा ही अच्छी लगती है। बस यही पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का। इस पर बहुत सारी कंपनी ने गाड़ियां बनाई। इंडिया में आने वाली गाड़ियों में कॉमन रेल इंजन अलग अलग तरह के पाए गए।
सबसे ज्यादा यहां पसंद किया गया फिएट का मल्टीजेट, वो भी एक तरह का कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम था जिसे कि फिएट ने तैयार किया था। बाद में उसी इंजन को अडॉप्ट किया मारुति ने अपने डीडीआईएस करके, उन्होंने बॉस की जगह डेल्फी के इंजेक्टर्स को यूज करना शुरू किया और अचानक उनको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पिकअप, लो एमिशन मिलने लगा और मारुति की गाड़ियों ने सीआरडी इंजन को एक्सेप्ट कर लिया। अभी भी वो वही 1.3 लीटर इंजन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करके अच्छा काम करते हैं। हुंडई ने भी सीआरडी इंजन को अपने यहां शामिल कर लिया था। एसेंट, एलेंट्रा, कई गाड़ियों में एक एक करके आना शुरू हुआ वरना। अब इस समय हुंडई की सीआरडी इंजन की डिमांड भी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वो। सीआरडी इंजन ने लगभग पिछले 2 दशक से अपना दबदबा बना के रखा है, चाहे वो फोर्ड की गाड़ियां हों, चाहे वो टोयोटा की गाड़ियां हों, चाहे वो मित्सुबिशी की गाड़ियां हों, चाहे वो शेवरले की गाड़ियां हों, सभी में इन इंजनों की डिमांड बढ़ती गई। एक और ऐसी चीज है जिसने सीआरडी इंजन को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, वो था लो मेंटेनेंस। लोग डीजल इंजन को बहुत बुरा मानते थे, सीआरडी ने उस मिथ को बिल्कुल दूर कर दिया। उसने ये बता दिया है कि अगर इंजन क्वालिटी अच्छे से तैयार की जाए, रिफाइनमेंट लेवल अच्छा हो, लोग डीजल को भी पेट्रोल जितना प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। सीआरडी इंजन उन लोगों के लिए है जो अपने ईच ड्रॉप ऑफ डीजल से सबसे कम पॉल्यूशन चाहते हैं, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, सबसे कम आवाज चाहते हैं और सबसे कम वाइब्रेशन चाहते हैं। सीआरडीआई उनके लिए हो गया। टीडीआई ने भी काफी इंप्रूवमेंट कर ली। अब टीडीआई इंजन भी बहुत अच्छे बनने लगे। टर्बो चार्ज सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि वॉल्यूम, वाइब्रेशन और नॉइस दोनों काफी कम हो गए। परफॉर्मेंस लेवल भी बूस्ट हुआ है। इंजन लाइट वेट होगा है जो कि पहले हैवी वेट होता था, क्योंकि टर्बो चार्ज होने की वजह से उसके भीतर बर्निंग बहुत ज्यादा होती थी। अब इंजन कूल होने लगे हैं जिसकी वजह से फॉक्सवैगन ग्रुप के सभी बड़े ब्रांड, चाहे वो आपका ऑडी हो, चाहे वो स्कोडा हो, सभी उसको यूज करने लगे हैं और टीडीआई इंजन ने मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई। अभी हाल में टीडीआई को एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। उनकी एक चीट किट ने उनको काफी बदनाम किया, इवन उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई। बुरा हुआ, ये चीट प्रोग्राम हमारे लिए अच्छे नहीं है। बेहतर होता कि फॉक्सवैगन अपनी इस बात को बहुत पहले एक्सेप्ट कर लेता और हमको ज्यादा बेहतर क्वालिटी देता, ना कि ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करता। फिर भी टीडीआई इंजन में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पॉल्यूशन भी कम करने की उनकी कोशिश अब भी जारी है और वो अपने डीजल इंजन में कुछ नया करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे क्या होगा मैं बताता रहूंगा आपको कि सीआरडीआई और टीडीआई में क्या बेहतर है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। दोनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रही है, सीआरडीआई को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है टीडीआई के मुकाबले। टीडीआई अपने ब्रांड पर ही सिमट के रह गया, सिर्फ इतना अंतर है। डीजल इंजन पेट्रोल से कम नहीं रह गए हैं अब किसी भी मामले में। एवरेज आपको बेहतर देते हैं, नॉइज आपको कम देने लगे हैं, वाइब्रेशन खत्म होता जा रहा है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताने में सफल रहा होगा। फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते थे इस वीडियो में, क्या चीज छूट गई है। मैं हो सकता है किसी अगले वीडियो में उनको फिर से शामिल करूं। कुछ और जानना चाहते हैं मुझे बताएं, क्या चीज और देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं उन्हें शामिल करता हूं अपने प्रोग्राम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, अगर पसंद नहीं आया है प्लीज डिसलाइक बटन दबाएं। ऐसी वीडियो को रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आपके
या सहयोग का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। देखना ना भूलें अगले मंगलवार कागुरु। धन्यवाद।